बटाला के कस्बा फतेहगढ़ चूड़िया के गुरुद्वारा साहिब की गोलक से दो अज्ञात चोरों ने 40,000 रुपए से अधिक की राशि पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात गुरुद्वारा साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस चोरी की वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब में आए और उन्होंने देखा कि गोलक टूटी पड़ी है। इसके बाद उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें देखा गया कि दो युवक गुरुद्वारा साहिब में दाखिल हुए और वे 15 मिनटों में चोरी की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी देते हुए एसएचओ हरपाल सिंह का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बटाला से हलचल के लिए अक्षय भाटिया की रिपोर्ट। फतेहगढ़ चोरियां की बड़ी भरमार है। गुरुद्वारा साहिब संगत विखे भी अज रात में चोरों ने गोलक तोड़ के 40 से 45 हज़ार रुपया कट के लै गए ने। इसकी पुलिस को भी FIR दर्ज करवा दी गई है। साध संगत की प्रशासन तो पुरजोर अपील है कि चोरों को छेती तो छेती फड़ के लोगों के सामने नशर किया जाए। गुरुद्वारा साहब दो व्यक्ति ने जिन्होंने मूह बने हुए थे, उन्होंने गुरुद्वारा साहब की गोलक में जाके और हार्ड नुमा चीज के नाल खोल के वो पैसे चोरी किए। जो गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी वालों सू कंप्लेट करते FIR लॉज की गई। उम्मीद है जल्दी उन्होंने बंद गिरफ्तार किया जाए।